Now we are here in a haunted place. Haunted place. इसने में काफी खतरनाक डरावना लग रहा है। यहाँ पे जो रात के 3 बजे के बाद कुछ अजीबोगरीब हरकतें देखने को मिलता है। Now we are going to explore it. अभी पूरी तरह से बंद है, वहाँ से रोशनी दिख रही है, शायद हम वहाँ निकल सकते हैं। हे गाइस, मैं रश्मि आज आपको एक अलग जगह लेके जा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको पहले के एपिसोड के कुछ झलकियाँ दिखा देते हैं। So welcome back to my channel. First we went to the new Haflong railway station. अब आप सोच रहे होंगे कि रेलवे स्टेशन में क्या देखेंगे, दिखाते हैं, अभी पता चल जाएगा, पहले पहुंच तो ले। देखिए पहुंच गए हैं हम। यहीं पे हमको उतर के स्टेशन के राइट साइड में थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। आप लोगों को वहाँ पे रेलवे टनल दिख रहा होगा, हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ जाके ही आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं। इसका लेंथ देखिए 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आप लोगों को कुछ और पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है एक मणिपुर में बन रहा है जो आगे जाके लॉन्गेस्ट होगा। चलिए आप लोगों को थोड़ा अंडर तक ले जाते हैं। इससे आगे और हम नहीं जाएंगे क्योंकि कभी भी ट्रेन आ सकती है। अभी आप लोगों को एक अलग रेलवे स्टेशन ले जाएंगे, चलिए वहाँ जाते हैं। ये रेलवे स्टेशन ब्रिटिश के द्वारा 19th century में ही, मतलब 100 ईयर पहले बनाया गया था बोराइल माउंटेन में, मतलब कि यहाँ। ये उस टाइम अट्रैक्शन का कारण इसलिए था क्योंकि 37 टनल बनाया गया था। ये देखिए एक टनल हमें रेलवे स्टेशन पहुँचने से पहले ही मिला है। अभी हम आपको इसके अंडर ले जाएंगे, लेकिन ये मत भूलिएगा कि ये ब्रिटिश के टाइम का ही टनल है। इसकी दीवारें देख के ही पता चल रहा है कि ये अभी भी बहुत अच्छे कंडीशन में है। अनूप विश्वास नाम के एक जर्नलिस्ट ने कहा कि जब यहाँ से हिल क्वीन एक्सप्रेस लास्ट पैसेंजर ट्रेन निकली रात के 1:40 को, तो ये काफ़ी भावुक मोमेंट था। वो चाहते थे कि ये एक हेरिटेज म्यूजियम बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यहाँ से काफ़ी चीज़ें चोरी हो गई। अगर वो सब कुछ बचा लेते तो ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता था। चलिए अब आपको और अच्छे से दिखाते हैं। ये है जाटिंगा ओल्ड रेलवे स्टेशन। लोग आते हैं देखने के लिए कि कैसा था पहले का रेलवे स्टेशन। बहुत पुराने टाइम का है, जो अभी बस उसका थोड़ा टूटा फूटा हिस्सा ही बचा है। ये देखिए बीच बीच में ट्रैक का कुछ हिस्सा देखने को मिल सकता है, बाकी सब रोड बन चुका है अभी। एक डब्बा भी हमें देखने को मिला।
कुछ दिनों तक और भी कुछ चीज़ें थी जो अभी नहीं है, और अभी भी ये बोर्ड लगा है, जाटिंगा रेलवे स्टेशन लिखा है इसमें। ये तब का ऑफिस या क्वार्टर हो सकता है। यहीं से थोड़ा आगे जाने पे एक टनल है, तो चलिए वो देखते हैं। ये देखिए, ये पीछे मेरा एक पुराने टाइम का टनल है। ये पहले वाले की तरह नहीं लग रहा है, लग रहा है जैसे यहाँ से कोई नहीं जाता होगा। क्या हो लो? मेरे दोस्त अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना अंधेरा देख के उनको थोड़ा डर लग रहा है, तो वो वापस आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे टनल आगे बंद है। काफ़ी सुनसान जगह था, हमें आसपास कोई नहीं दिख रहा था। ओके आई बने मटका मार ले कि बंद आसे नहीं। जब मैंने मुड़ के देखा तो ये लोग किसी को पूछ रहे थे कि आसे बोली कैसे। हाँ एक ना न आ जाओ पाई मगले किमान मीटर हो तथापि जाने का मन भी कर रहा था और फटी पड़ी थी बिल्कुल, तो डर को सीने में दबाते हुए जो होगा सोच के निकल गए हम। শুনিবলৈ পোৱা যায় ইয়াত ৰাতি তিনি বজাৰ পিছত হিন্দী মোৰ সেইটো হিন্দী অ'কে অ'কে শুনে মে আঠটা কি ইয়াত পে যো ৰাত কে তিন বজে কে বাদ কুছ অজিব গৰীব হৰকতে দেখনে কো মিলতা হে ইয়াত কা গাঁও ৱালো বোলতে হম লোগো পতা নহি নাও ইয়াৰ গোইং টু explore it। खाली अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। एटी नाहे कि ओ कि ओ एना को कोई से बा एटी नाहे कि ओ इपला बा मुसिया हां मुसिया हां नाहे एटी आई छन कि ओ आई असल में कना अंधा लगी से क्योंकि ये टनल ऐसा है तेरा मेरा इसीलिए अंधेरा ज्यादा लग रहा है। स्लाइटली यू टर्न दिखने में काफी खतरनाक डरावना लग रहा है। ये पुराने जमाने का ट्रेन है जो स्टेशन है, यहीं से ट्रेन चलता था पुराने जमाने में, जो अभी पूरी तरह से बंद है। वहाँ से रोशनी दिख रही है, शायद हम वहाँ निकल सकते हैं। वो ये तो जथेष दीघल अको न। পাই গলোহি আমি এইটো এনেই হেৰি কৰি আছো। ফাইনেলি হম লোগনে টানেল কমপ্লিট কৰ লিয়া। হ্যাঁ तो आज हमें भी पता चल गया कि डर के आगे जीत है। इसमें लिखा है कि ये 1899 का ही बना हुआ है। ये सब टनल एक दो साल आगे पीछे ही बनाया गया था। हमारे पीछे पीछे इन लोगों को ये भैया मिल गए जिन्होंने बोला कि यहाँ जा सकते हैं। वो यहीं पे आसपास कहीं रहते हैं। आगे हमें और एक टनल मिला जो उतना लंबा नहीं था, और उससे आगे और एक छोटा टनल मिल गया, और इसके ऊपर लिखा है, देख सकते हैं, 1902, मतलब उस टाइम में ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। इतना पुराना ये सब देख के ऐसा फील हो रहा था कि उस टाइम कैसा रहा होगा, ये सब कुछ इस तरह से जंगल से ढका नहीं होगा और कितना सुंदर रहा होगा। खैर मेरे साथ अब आप लोग भी सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से निकल के सीधे जाएंगे सर्किट हाउस की तरफ, जो शाम को जल्दी बंद हो जाता है। जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं आप सनसेट का मजा लीजिए। Thank you.
साइड में देखिए कितना सुंदर आर्ट कर रखा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर कलर को यूज किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाफलॉन्ग आने से लोग ये सर्किट हाउस भी घूमने आते, तो हमने भी सोचा थोड़ा देख के आते आगे तक। वैसे टाइम तो वो हो चुका था, हम लोग टाइम से थोड़ा देर हो चुके हैं, लेकिन अभी अंदर जाने के लिए अलाउ किया है हमको। तो यहाँ से बहुत सुंदर सनसेट देखने को मिलता है अगर हम थोड़ा सा जल्दी आ जाते, लेकिन अभी अंधेरा होने लग रहा है। तो यहीं पर हमारा हाफलॉन्ग का टूर ख़त्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और पहले के वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।